Byju's The Learning App and Tuyam co-presents Breaking Point Indian Submariners. Co-powered by VIP Skybox, Woodland, Toyota and Vivo V9. अब बारी है इस 3000 टन की मशीन की बारीकियों को समझने की। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू आवर हैंड्स ऑन स्केल ट्रेनिंग ऑन मेन इंजन। अगर आपके मेन इंजन में कुछ भी अगर डिफेक्ट हो जाता है, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स योर प्रोपल्शन। यस, तो अगर प्रोपल्शन आपका इफेक्ट होता है तो इट अफेक्ट्स योर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आल्सो, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर मेन इंजन, एज इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ योर ऑनबोर्ड सबमरीन। सर मतलब मेन इंजन का काम बैटरी चार्ज करना है, राइट? मेन इंजन चार्जेस बैटरी थ्रू जनरेटर, राइट? मेन इंजन रहता है, एक जनरेटर रहता है, और मेन इंजन और जनरेटर को यूज करके वी चार्ज बैटरीज, राइट? सर नॉर्मली इंजन में, दरअसल मैं मर्चेंट नेवी में था और मैंने वहां पर वो बड़े डीजल इंजन्स देखे हैं, पर उन इंजन्स में बहुत ज्यादा साउंड का प्रॉब्लम होता है। पर अगर आप एक सबमरीन में हैं तो साउंड को कैसे अवॉइड किया जाता है? एज इट इज इन इंजन, आप पूरा तो उसको म्यूट ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहते हैं, वी हैव गॉट कंपनसेटर्स। कंपनसेटर्स मतलब जो कि पाइपलाइन के बीच में रहता है, सो दैट इट रिड्यूसेस वाइब्रेशन ऑफ योर पाइपलाइंस, शॉक अब्सॉर्बर टाइप। शॉक अब्सॉर्बर टाइप। तो ये एक टर्बो चार्ज्ड इंजन है जिसके 6 अलग अलग सिलेंडर्स हैं। इस इंजन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंजन ज्यादा आवाज नहीं करता है। सबमरीन के होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पानी के अंदर क्यों ना हो, किसी को भी इसकी आवाज ना आए, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे शॉक अब्सॉर्बर्स लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी कम आवाज होगी उतना आपके लिए अच्छा है। अभी हम कौन सी क्लास में जाएंगे सर? अभी वेपन्स क्लास में जाएंगे। टॉर्पीडोस? यस। फाइनली आज हम टॉर्पीडो क्लास में जाएंगे। मैं कब से इस क्लास का इंतजार कर रहा था। बचपन से मेरा सपना है कि मैं एक बटन दबाऊं और टॉर्पीडो निकले। एग्जैक्टली, ये हमारी ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। गुड आफ्टरनून क्लास, आज हम सबमरीनिंग की सबसे जरूरी चीज के बारे में जानेंगे, जो है सबमरीन पर मौजूद वेपन्स। सबमरीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि वो किसी भी मिशन में टारगेट पर कभी भी अच्छे से हमला कर सके। एक सबमरीन तरह तरह के हथियारों से लदी होती है, जैसे टॉर्पीडोस, मिसाइल्स और माइंस। सिंधु घोष सबमरीन में जो हथियार हैं, जो मेन वेपन है, यानी टॉर्पीडो, एक एंटीशिप टॉर्पीडो 5365 KE, इससे ज्यादा खतरनाक हथियार किसी भी सबमरीन में नहीं है। रशियन मेड EKM सबमरीन्स में खतरनाक टॉर्पीडोज होते हैं, जिनमें से हर एक का वजन 300 किलो के करीब होता है। ये बेहद खतरनाक टॉर्पीडो होते हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल है। सर इस टॉर्पीडो को दुश्मन की सबमरीन डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, तो क्या ये एक डबल हल सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है? हाँ, इस टॉर्पीडो से दुश्मन की सिंगल हल सबमरीन और डबल हल सबमरीन पर भी हमला किया जा सकता है। सबमरीन में और वेपन्स भी मौजूद होते हैं, जैसे सबमरीन मिसाइल्स। EKM सबमरीन दो तरह की मिसाइल फायर कर सकती है। इनमें पहली है एंटीशिप मिसाइल और दूसरी है टैक्टिकल लाइन अटैक मिसाइल। इसका मतलब है आप दुश्मन पर हमला सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि पानी के बाहर भी कर सकते हैं। हमारे सामने इस वक्त जो टॉर्पीडो दिखाई दे रहा है वो 3M54E मिसाइल है, जो कि रशिया में बनी मिसाइल है। इस मिसाइल को तब यूज किया जाता है जब टारगेट आपकी रेंज से काफी दूर हो, यानी उस रेंज में जो किसी आम टॉर्पीडो की रेंज से पूरी तरह बाहर हो। EKM सबमरीन्स में क्रूज मिसाइल्स भी होती हैं, जो कि शिप्स के साथ साथ जमीन पर भी टारगेट पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से अटैक करती है, जो एक बोइंग 747 जेट से 3.5 गुना ज्यादा तेज है। सर मान लीजिए कि टॉर्पीडो हमारी तरफ आ रही है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑनबोर्ड आपको दो तरह के मटेरियल काउंटर मेजर और टॉर्पीडो काउंटर मेजर मिलते हैं। जैसे ही टॉर्पीडो अटैक को डिटेक्ट किया जाता है, सबमरीन के पास उससे बचने के लिए बहुत कम वक्त होता है। डीकॉयज को फॉल्स अकूस्टिक टारगेट के तौर पर फायर किया जाता है, जिससे सबमरीन को बच निकलने के लिए एक और मौका मिल जाता है।
अगर आपके पास कोई डिकॉयज नहीं है तो फिर आप शिप को मैनूवर कर सकते हैं, जिन्हें जिगजैग लेग्स कहा जाता है, जिसमें सबमरीन को बेस कोर्स के अराउंड ले जाते हैं, जिससे टॉर्पीडो कंफ्यूज हो जाता है और टारगेट लूज कर देता है। तो ये वो अलग अलग तरह के काउंटर मेजर हैं, जिनसे सबमरीन टॉर्पीडो अटैक से बच सकती है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स की, कि कैसे न्यूक्लियर सबमरीन पर टॉर्पीडो फिट किए जाते हैं। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरमन और उसका कैमरामैन, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, क्योंकि ये सब क्लासिफाइड मैटर है और कॉन्फिडेंशियल भी, इसलिए हम आपको ये नहीं दिखा सकते। थैंक यू हरमन। थैंक यू सर। जब भी टॉर्पीडो या मिसाइल या माइन की बात होती है तो गलती की गुंजाइश है ही नहीं। ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं बल्कि अटैक मैकेनिज्म है, और एक सबमरीन जंग के दौरान दुश्मन के सबसे करीब होती है। कैसा फील कर रहे हो? सच बताओ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये किसी तरह की कोई फिल्म नहीं है, ये सब सच है। ये लोग जाकर लड़ते हैं, ये एक्टर्स नहीं है। एक्टिंग तो मैं करता हूं, लेकिन ये लोग, ये एक्चुअल हीरोज हैं। ये कोई फिल्म नहीं है। जहां पर इतना सारा ड्रामा होता है, वो सीरियसली इस वक्त न्यूक्लियर टॉर्पीडोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैं क्लास के बाहर खड़ा हूं। ये मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस है। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीर बाय डिस्कवरी पे। और आपको बदले में मिलेगा एक सैल्यूट।